चैनल को, क्योंकि तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो स्टार्ट आपको मिलता रहे। तो अभी बस चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की दोस्त हमारी रेसिपी है वो है नमकीन रोश, और नमकीन रोश किस तरह बनेगा, इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। ये मैंने ना हिसाब से ना अपने हिसाब से ज़्यादा मैंने नमक नहीं लगाया, लगा दिया ये गोश्त को, क्योंकि इतना चर्बी वाला गोश्त नहीं है, थोड़ा सा ना मैंने ना ऑयल भी डाला। अच्छा जी, ये मैं प्याज, एक प्याज लेके ना, ये एक किलो से ज़्यादा ही है गोश्त। ये हरी मिर्चें दो चार, ये अदरक के ना मैंने तीन चार पीस करके ना ये रखे, ये हरी मिर्चें, ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादा नहीं गोश्त, तो टमाटर मैं एक बड़ा सा ही डाल रही हूँ इसमें। ये अब ना मैं ना इसे ना अच्छी तरह ढकना लगा के ना तो रख दूंगी इसे, ये मैंने एक साबुत लहसुन भी रख दिया, अब इसके ऊपर ढकना दे के ना पकने रख देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहे नमकीन पिशावरी गोश्त बहुत मजे का बनेगा, आप जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। इसको पकने के लिए रखते हैं आपको दोबारा, और ये देखें माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी खुशबू आई है। ये देखें ये हरी मिर्चें जो मैंने टमाटर डाले थे, ये देखें घी, देखें और बिल्कुल हम लोगों ने देखें, ये देखें, ये देखें गोश्त भी गल गया, ये देखें मैं तोड़ के लगाया आपको, ये देखें नरम जो सा, ये देखें नरम हो गया आपको पेशावरी। हाँ जी, ये देखें कैसा टूट रहा है गोश्त, हाँ बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त का लुक आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार से जो सी उमदा खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान रेसिपी थी जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत इजी था, बहुत झटपट ये बन गया है। और ये हम लोगों ने मटन जो सा लिया था उसका हम लोगों ने ये रोश बनाया है नमकीन रोश, इसको नमकीन गोश्त भी कहते हैं। तो आप लोग इस स्पेशल रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार से जो सी रेसिपी है ये कैसे तैयार होगी। तो मम्मा ये बिल्कुल फाइनल हो गई है, तो अब ये मतलब घी ही है, इसका तो पानी तो हम लोगों ने कोई ऐड नहीं किया था। हाँ जी, ये घी है ना सारा, पानी तो नहीं है ना सारा, घी है, ये देखें, ये देखें, हाँ ये सारे का सारा मतलब घी ही है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह तो कुछ चीज़ डाली, वो इस मैंने चार टुकड़े डाले थे प्याज के, ये मिर्चें डाली थी, अदरक डाला था, ये लहसुन निकाल देते हैं अब, ये वाला लहसुन तो बस तैयार है, पूरा जवाई हम लोगों ने शामिल कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कोई मसाला नहीं, नमकीन गोश्त मसाला नहीं होता, सिर्फ बोटियां ही होती हैं, ये घी होता है सिर्फ, ये और सिर्फ ये घी होता है, ये देखिए। तो ये है उसका फाइनल लुक, तो अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी है रोश नमकीन गोश्त की फाइनल हो चुकी है, और आप देखें ये है उसका फाइनल लुक, पिशावरी गोश्त जो सा नमकीन हमने आज आपके साथ शेयर किया इसकी रेसिपी को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आए, कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो गई है और बहुत इजी है। और आप लोग इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जोन सी है वीडियो क्रिएट टाइमली मिलते रहें। तो बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू आ रही है और मोस्ट वाटरिंग ये रेसिपी है, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी जो ई स्पेशल होगी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर इसके अलावा कोई आप लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप लोग हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।